Hey guys, welcome back. दोस्तों आपको मैं कल बोला था कि यार हमारे इस वाले सेटअप में न्यू वाली फिश आने वाली है। न्यू फिश आने से पहले दोस्तों हम ये वाला टैंक का सेटअप कर लेते हैं, जैसे कि अभी ये पूरा प्लेन टैंक है तो मेरा प्लानिंग चल रहा है, मतलब यहाँ पे जो फिश आने वाली ना दोस्तों, तो यार उसको हाइडिंग स्पेस लगता ही लगता है, मतलब वो आपको तो पता ही चल गया यार थंबनेल देख के। तो यहाँ पे आने वाले भाई हमारे ज्वेल फिश, तो ज्वेल फिश को तो आपको पता है यार हाइडिंग स्पेस लगता है, और वो टोटल 10 से 12 ज्वेल फिश होने वाली है। तो मेरा प्लानिंग चल रहा है दोस्तों कि यहाँ पे मैं पूरे ग्रेवल्स ऐड कर देता हूँ, और ग्रेवल्स ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं छोटे छोटे मटके ऐड कर देता हूँ, मतलब ज्वेल फिश हमारी आराम से रहने वाली। हमारे जो ग्रेवल्स है वो भी रेडी है, जो कि ये देख सकते हो भाई, ये रिवर वाले जो ग्रेवल्स है मैं यही ऐड करने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखते भाई टैंक में जाने के बाद। और हमारे पास दो तरह के ग्रेवल्स है, जैसे कि एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, और एक ये वाला हो गया। ये तो काफ़ी ब्यूटीफुल है, ये तो हमारे टाइगर शॉर्ननेस्ड कैटफिश उनके सेटअप में जाने वाले, बट इनको पहले हमें अच्छे से क्लीन करना होगा। ये तो ऑलरेडी मैं क्लीन कर चुका हूँ और इनको अच्छे से मैंने धूप में सुखा भी दिया है। तो चलो गाइस इनको अभी जल्दी जल्दी मैं हमारे टैंक में शिफ्ट करता हूँ। खाओ भाई, तो ये आ गया भाई मैं अंदर। गाइस फाइनली हमारा सेटअप रेडी हो चुका है, और ये देख सकते हो गाइस, ये है भाई हमारे न्यू ज्वेल फिश का टैंक सेटअप। चलो गाइस अभी मैं फटाक से रेडी होता हूँ और निकलते हैं फिश फार्म के लिए। गाइस अभी मैं निकल रहा हूँ मेरे दोस्त के फार्म पे। क्या कह रहा है भाई? तो चलो भाई जल्दी जल्दी निकलते हैं और मैं मिलता हूँ आपको सीधा मेरे दोस्त के फार्म पे। तो ना यार आज धूप इतनी ज्यादा है ना यार, मेरा प्लानिंग था यार मैं इवनिंग में जाऊँ, बट मेरा दोस्त कहीं बाहर जा रहा था, तो उसकी वजह से यार अभी हमें आफ्टरनून में ही जाना पड़ रहा है, और बहुत ज़्यादा धूप है यार। तो चलो यार कोई नहीं, चलते चलते जल्दी। मैं अभी मेरे दोस्त के फार्म पे आ चुका हूँ। देखो भाई बजीज, यहाँ पे सारे बजीज हैं। इस वाले साइड में है ना, आपको दिखा दो भाई, डव भी लाए भाई ने। अब ये देखो गाइस यहाँ पे डव का एक पेयर है, ये वाले ऊपर कुछ बजीज इधर आ गए, और ये कौन से यार, ये जावा फिंच है शायद से। गाइस हमारी जो न्यू वाली सरप्राइजिंग फिश है वो कौन सी होने वाली है? तो वो होने वाली है भाई ज्वेल फिश, ठीक है, जो कि इस वाले टैंक में है दोस्तों। तो इस वाले टैंक में अभी हमें जाना होगा और वो ज्वेल फिश पकड़ने हुए, ठीक है। उससे पहले आपको एक चीज दिखाता हूँ मैं। ये देखो गाइस मुझे एक छोटा सा क्यूट सा टर्टल दिखा है, ठीक है यार। बहुत सारे भाई मुझे ये भी कहते कि भाई आपके सेटअप में फिर से आप टर्टल ऐड करो, तो गाइस मैं अभी इस वाले साइज के टर्टल ऐड करने वाला हूँ हमारे सेटअप में बहुत जल्द, ठीक है ना। बहुत क्यूट होते हैं यार ये। ये देखो ये रेड ईयर साइगर का छोटा सा बच्चा है। चल भाई जा पानी में, ये गया वहाँ यार। चलो गाइस अभी मैं क्या करता हूँ, इस पॉन्ड में उतर कर हमारी ज्वेल फिश पकड़ दो, बट यार उससे पहले तो हमें नेट लगेगी यार। नेट किधर है? किधर है वाली नेट के हेल्प से हम फिश पकड़ने वाले। आपको पता है यार उस दिन वो अंकल जा रहे थे, उनके पास से हमें ये वाले नेट लिए थे, ठीक है। तो चलो गाइस अभी यही नेट से हम फिश पकड़ने वाले, इस बार थोड़ा इजी होगा भाई। तो भाई मैं अभी जा रहा हूँ दोस्तों पानी में, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा 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 पानी। तो भाई पहले ही ग्रो में हमने बहुत सारी ज्वेल फिश पकड़ ली है। तो ये देख सकते हो गाइस, ये है ज्वेल फिश। ओए आराम से यार, ये देखो भाई यही वाली फिश हमारे सेटअप में अभी ऐड होने वाली है। ये पूरी रेड होती है तुषार यार, इसका थोड़ा कलर ऐसा डाउन क्यों है भाई? ये फीमेल होगी यार मुझे ऐसा लग रहा। हाँ, मेल डार्क होता है इसमें। ओके, और सिकलेट की साइज भी देखो यार। वाह यार इसका सिकलेट का कलर देखो यार, जबरदस्त। ये देखो गाइस इसका कलर देखो भाई, ये देखो भाई। चलो अभी यहाँ पे जितनी भी ज्वेल फिश है ना मैं जल्दी जल्दी पकड़ लेता हूँ यहाँ से। ये देखो भाई इसके ऊपर स्पॉट देख रहे हो ना, इन्हें क्यूट।
ये देखो गाइस, तो है ना दोस्तों ये वाले जो पाइप है ना यार, इससे बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही, तो हम क्या कर रहे हैं इनको ना साइड में कर देते हैं। तो चलो गाइस अभी सेकंड राउंड में हमें कितनी ज्वेल फिश मिलती है देखते हैं। ये देखो ये सिकलेट की साइज यार जबरदस्त, और इसके साइज देखो यार दोस्तों, ओहो खतरनाक, काफी एक्टिव है यार ये। एक मिनट अपन क्या करते हैं पूरी ना एक एक जगह पे ये कर देते हैं। ये देखो यार ये मोटी यार सिकलेट ये देखो गाइस ज्वेल और आ गई। ओए ये कौन सी, ये देखो यार ये कॉन्वेक्स सिकलेट है ना। हाँ ये देखो यार भाई इसका पैटर्न देखो यार, सेम पोलर पैरेट के जैसी होती है दोस्तों ये। सुनो दोस्तों हमने जिस वाले नेट से अभी फिशेस पकड़े हैं सिर्फ 2 या 3 राउंड में ही हमने सारे फिशेस को पकड़ लिया। ये देखो गाइस यहाँ पे है भाई हमारी ज्वेल फिश, और वो नेट से ना भाई फिशेस को कोई दिक्कत भी नहीं हुई यार, ठीक है ना। नहीं तो मैं लास्ट टाइम यार छोटी नेट से भाई 10-12-13 ट्राई किए तब हमें जाकर थोड़ी बहुत सिकलेट मिल सकी थी। ये देखो भाई वाओ जबरदस्त। तो चलो गाइस इनको अभी जल्दी जल्दी मैं पैक करता हूँ और निकलते हैं भाई। 12 फिश तो हमने पैकिंग कर ली दोस्तों, बट यहाँ पे जाते जाते मैंने एक गप्पीस देखी जो कि भाई के पास अभी न्यू ही आई है। आपको उसकी क्वालिटी दिखा दो गाइस, ये देखो यार वाओ। और दोस्तों आप मुझे इस गप्पी का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये देखो गाइस क्या ही चीज़ है यार भाई, इसके फिन देख रहे हो यार जबरदस्त यार, बहुत ही ब्यूटीफुल। और इसकी फीमेल भी दिखा दो दोस्तों मैं आपको, एक मिनट। ये देखो गाइज ये है भाई उस गप्पी की फीमेल, वो मेल गप्पी था ये फीमेल गप्पी है भाई। फीमेल के भी फीन आप देख सकते हो, क्या ही चीज़ है यार वाओ जबरदस्त। भाई के पास ये थोड़े बहुत सारे हो जाएंगे ना मैं तो पक्का लेके जाऊंगा भाई ये वाली गप्पी। गाइज अभी हमने फिशेस तो ले लिए, अभी आपको मिलता हूँ भाई सीधा मैं घर पे। बहुत ज़्यादा धूप है यार, ये भाई हमारे पिजन्स यार धूप में क्या कर रहे हैं उधर भी है। ये देखो भाई फाइनली गाइज हमारे सेटअप में न्यू वाली और एक फिश ऐड हो गई, और दोस्तों मैंने ना इस वाली फिश को फर्स्ट टाइम लाया है भाई हमारे सेटअप में। ये देखो गाइज ये है भाई हमारी न्यू ज्वेल फिश। तो चलो गाइज इनको अभी मैं जल्दी जल्दी हमारे टैंक में छोड़ता हूँ। छोड़ने से पहले मैं इनको 10 से 15 मिनट अच्छे से एक्लिमेट कर दूंगा, उसके बाद हमारे टैंक में इनको मैं रिलीज करने वाला हूँ। क्या ही क्यूट लग रही है भाई ये, चलो भाई ये भाई काफी ज्यादा भारी आ रही है। ये लो भाई ये है भाई हमारा फिश रूम, और यहाँ पे जाने वाली है हमारी ये ज्वेल फिश, इस वाले टैंक में रहने वाली है हमारी ज्वेल फिश। फाइनली दोस्तों मैंने हमारी ज्वेल फिश यहाँ पे छोड़ दी, और क्या ही जबरदस्त लग रही है यार ये। दोस्तों इनका जो कलर है ना यार थोड़ा फेंट हो चुका है, थोड़े ही दिनों में इनका कलर आ जाएगा। आपको पता है यार ज्वेल फिश का असली कलर रेड होता है। ये देखो गाइज बहुत ही ब्यूटीफुल यार भाई, इनको तो मैंने फर्स्ट टाइम भाई, मतलब ये ज्वेल जो वैरायटी होती है ना भाई, इनको तो मैंने फर्स्ट टाइम हमारे सेटअप में लाया है भाई। इससे पहले मैंने कभी ज्वेल फिश को मतलब मेरे टैंक सेटअप में लाया नहीं था यार। मेरा तो दोस्तों अभी फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है। ये देखो भाई इसका पैटर्न देख सकते हो, हल्के से इसके ऊपर स्पॉट है भाई साहब, और देखो ये भी थोड़ा थोड़ा रेड लग रहा है, ठीक है ना। थोड़े दिनों में इनका कलर रेड हो जाने वाला है, और इनके लिए ये वाला मैंने सेटअप दिया है। तो गाइस
हमारी आपको न्यू वाली फिश कैसे लगी आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। दोस्तों काफी सारे भाइयों के कमेंट्स आ रहे हैं भाई हमारे फ्लोरम फिश को लेकर, ठीक है। काफी सारे भाइयों का कहना है कि भाई आप इनको भी रिलीज कर दो, 10 दिन तो इनको हो ही गए यार। मैं इनको 5 तारीख को छोड़ने वाला था, बट एक भाई ने मुझे बहुत अच्छा सजेशन दिया, तो उस भाई का सजेशन लेकर ही मैं इनको छोड़ूंगा। अभी दोस्तों मैं कल ना मार्केट जाऊंगा, मार्केट से मैं एक अच्छा प्लेट लेके आऊंगा, और प्लेट लेने के बाद हम यहाँ पे वो प्लेट ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद भाई ये वाली जो नेट है हम ये निकाल वाले, ठीक है। देखते भाई क्या रिजल्ट आता है, मतलब हमारा फ्लोर ऑन फीमेल के ऊपर अटैक ना करे यार, मुझे वही डर है, बट हमें पूरा ध्यान रखना होगा। तो चलो गाइस इसी के साथ आज का वीडियो मैं एंड करता हूँ, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो और हमारी न्यू फिश अच्छी लगी हो जरूर लाइक करना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।